हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी टाइम केमिस्ट्री। जैसे हमने जेई एडवांस और आईआईटी एग्जाम के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मल्टी स्टेप क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर दिया है ये। इस सीरीज का एक फायदा बस आपको है, रिवीजन इस सीरीज से आप कर पाओगे। मल्टी स्टेप क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिया रिएक्टेंट, और इसमें आपको H प्लस दिया है, राइट। अभी मेन कंसेप्ट है कि ये H प्लस किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, ये मेन चीज है। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर, और इस OH पे भी लोन पेयर है। ओके, अब आप देखोगे तो ये लोन पेयर फास्ट रेजोनेंस में जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सी डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा बिकॉज ऑफ सी डबल बॉन्ड। बट ये लोन पेयर इतना जल्दी रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन है। तो मुझे इतना पता चल गया कि ये जो ऑक्सीजन है OH, इस ऑक्सीजन का पहले क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। तो मुझे इस ऑक्सीजन का करना है प्रोटोनेशन। ओके, तो जब मैं इसका प्रोटोनेशन करूंगा तो मुझे ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा आफ्टर प्रोटोनेशन। तो H प्लस मैं वहां पे रिएक्ट करवा दूंगा, जब H प्लस वहां पे रिएक्ट हो जाएगा तो उसका बनेगा OH2 प्लस, राइट। और OH2 प्लस एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, हमने इस OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। एक अच्छा क्वेश्चन है, सी डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आपका एसिडिक ग्रुप। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट। ये बॉन्ड आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, ये बॉन्ड आगे जाएगा और ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी रिमूव होगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये मुझे लगता है। देखिए, ये आपका प्रोडक्ट है, समझा क्वेश्चन आपको। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। पहले मैंने क्या किया, प्रोटोनेशन, ये स्टेप आपका प्रोटोनेशन है। प्रोटोनेशन करने के बाद हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डिहाइड्रेशन भी कर दिया मैंने, और रिमूवल ऑफ CO2, डीकार्बोक्सिलेशन भी कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये मल्टी स्टेप क्वेश्चन है बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक रिएक्टेंट दिया है डबल बॉन्ड ओ CH3। ओके, इसका रिएक्शन क्या, ब्रोमीन एंड OH माइनस के साथ। अगेन सेम, ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा तो देखो, ये COCH3 ग्रुप चाहिए होता है हमें, मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में इसको, यहाँ पे वाटर भी दिया है H प्लस, सेकेंड कंडीशन में आपको H प्लस दिया है। तो हेलोफॉर्म का डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। हेलोफॉर्म में बस आपको क्या करना है, CH3 हटा के यहाँ पे OH बना दो। ओके, CH3 हटा के मैंने OH बना दिया। फिर इसका रिएक्शन आपने किया PCl3 प्लस ब्रोमीन। ओके, और ये जो PCl3 प्लस ब्रोमीन है, ये रिएक्शन होता है हमारा, ये आपको रेड फॉस्फरस प्लस ब्रोमीन यूज कर सकते हो। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल ओलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करना है आपको, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, अल्फा हेलोजिनेशन। अब देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके जो अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके आपको ब्रोमिन लगाना है। ओके, देखो ये अल्फा अल्फा हाइड्रोजन था, राइट। अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके मैंने ब्रोमीन लगा दिया। नो, नेक्स्ट स्टेप है, मैंने इसका रिएक्शन कर दिया मिथाइल अल्कोहल के साथ, MEOH मतलब मिथाइल अल्कोहल। और हमें पता है कि अल्कोहल प्लस एसिड जब रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, एस्टर। तो फाइनली ये स्टेप होगा आपका एस्टरिफिकेशन, और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा OME और यहाँ पे ब्रोमीन, समझा। तो पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन, उसके बाद HVZ रिएक्शन, हेल ओलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, अल्फा हेलोजिनेशन करता है,
बाद में फिर हमने एस्टरीफिकेशन किया, ओके बाद में क्या किया हमने एस्टरीफिकेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जितने हो सके उतने क्वेश्चंस मैं आपके रिवाइज करवाऊंगा। क्वेश्चंस करने से आपका जो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो रिवाइज होता है, मतलब एक एक स्टेप भी करोगे ना तो एक स्टेप में आपका एक कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है, राइट। तो ये बेटर वे होता है रिवीजन करने का एडवांस के लिए और जाम के लिए भी। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, साइनाइड इस कार्बन पे जाएगा और यहाँ पे आपका OH बन जाएगा। बस आपको रिएजेंट क्या दिया है उसका रोल आपको पता होना चाहिए। हाँ चलो भाई, ये रिएजेंट दिया तो इसका रोल क्या होगा, तो मुझे क्या मिला, साइनोहाइड्रिन, राइट। फिर इसका रिएक्शन मैं करता हूँ एच टू प्लेटिनियम के साथ। जब एच टू प्लेटिनियम के साथ इसका रिएक्शन किया जाएगा तो देखिए कंपाउंड क्या मिलेगा, तो सी एन इज रिड्यूस इन टू अमीन, सी एच टू एन एच टू में ये कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सी एच टू एन एच टू में कन्वर्ट हो गया। बाद में इसका किया हमने डायअजोटाइजेशन, एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल के साथ रिएक्शन कर दिया। इस स्टेप को बोला जाएगा डायअजोटाइजेशन, और एडवांस में तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायअजोटाइजेशन पे एक तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर ये एन एच टू का कन्वर्जन हो जाता है एन टू प्लस में, ये बन गया आपका एन टू प्लस, एन टू प्लस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। अब देखो क्या होगा, अब थोड़ा सा इस रिएक्शन का ब्यूटी देखो। अब ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑलरेडी इस कार्बन के फोर बॉन्ड है तो फाइव बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम देखो क्या होगा, जब ये बॉन्ड मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा एट द सेम टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन पे जाएगा, रिंग एक्सपांड हो गया और एन टू प्लस निकल गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, साइमल्टेनियस बॉन्ड शिफ्टिंग एंड रिंग एक्सपांशन, ओके। फिर देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बेंजीन एज इट इज, बेंजीन को हमें कुछ नहीं करना है, ये सिक्स मेंबर रिंग बन जाएगा, ओके। अगर समझने के लिए बस मैं नंबरिंग दे देता हूँ, समझ लो ये कार्बन वन है, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर, कार्बन फाइव, कार्बन सिक्स, सिक्स मेंबर रिंग बन रहा है, राइट। आपका क्या बन रहा है, सिक्स मेंबर रिंग। समझ लो ये कार्बन वन है, ये कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कार्बन टू पे क्या आ रहा है, डबल बोन ऑक्सीजन, कार्बन टू पे क्या आएगा, डबल बोन ऑक्सीजन, राइट। और कार्बन वन एज इट इज, देखो ये आपका प्रोडक्ट है, समझा। यहाँ पे ये प्लस चार्ज भी रहेगा। फाइनली मैं यहाँ से डी प्रोटोनेशन करूंगा, आफ्टर डी प्रोटोनेशन हमें ये कंपाउंड मिलेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, आपको एक मॉलिक्यूल दिया है साइक्लोअल्केन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इसका ब्रोमिनेशन करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल लाइट। ये कौन सा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, FRS का मतलब फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ऑब्वियस 3 डिग्री कार्बन पे आपका रिएक्शन फास्ट होगा, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा पहले वो 3 डिग्री ब्रोमाइड, राइट। 1 डिग्री भी बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा, बट 3 डिग्री मेजर होता है, इसलिए मैंने 3 डिग्री बना दिया। फिर इसका रिएक्शन आपने Mg के साथ कर दिया, Mg क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड बनाएगा, Mg ने ग्रिग्नार्ड बना दिया, तो ये बन जाएगा MgBr, राइट। ये प्लस पार्ट रहेगा तो ये कार्बन पे माइनस पार्ट रहेगा। फिर आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ऐड कर दिया, एसिडिक मीडियम ऐड कर दिया, तो क्या होता है, जब भी ग्रिग्नार्ड हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो हमने क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया। फिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मैंने SOCl2 के साथ किया। SOCl2 क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस करके Cl बना देगा। यहाँ पे मिला आपको एसिड क्लोराइड, ओके। फिर इसका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करेंगे, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा अमाइड, तो देखिए ये अमाइड हो गया, राइट। अब इस अमाइड का रिएक्शन देखो, जब इस अमाइड का रिएक्शन आप ब्रोमीन एंड OH माइनस के साथ करोगे, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, यह हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, स्टेप डाउन रिएक्शन होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड
डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें हमें क्या करना होता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें बस एक टेक्निक है, इस सीओ को निकाल दो, बस सीओ को आप रिमूव कर दोगे तो फाइनली प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, आपको फाइनली प्रोडक्ट ये मिलेगा, ये आपका मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे आ जाएगा आपका NH2, ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, समझा आपको क्वेश्चन क्या था? ओके, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले दिया एनिलीन, NH2 एनिलीन, इसका रिएक्शन किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मतलब असाइलेशन ऑफ एनिलीन, एन असाइलेशन बोला जाता है, तो एनिलीन के नाइट्रोजन पे क्या हो जाता है, असाइलेशन, तो आपको ये कंपाउंड मिलता है, तो ये बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया असाइलेशन, एन असाइलेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, और ये लोन पेयर तो ये प्लस एम ग्रुप होगा। जब इसका मैं ब्रोमिनेशन करूंगा Fe के प्रेजेंस में, तो एज वी नो दैट प्लस एम ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो क्या होगा, उसके पैरा पे जाके आपको ब्रोमीन लगाना है, बिकॉज पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर है, इसलिए फिर हमने वहां पे पैरा पे जाके ब्रोमीन लगा दिया, राइट। फिर उसके बाद इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, ब्रोमीन के साथ, फर्दर में इसका क्लोरीनेशन करता हूँ एफई के प्रेजेंस में, अब फिर से ये जो एनएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसका पैरा तो सी एच बी आर ने ब्लॉक कर दिया, तो इसका ऑर्थो है वहां पे सी एल अटैच हो जाएगा, राइट। फिर आपने H2O H+ ऐड कर दिया, फिर जो असाइल ग्रुप था, असाइल ग्रुप को हमने ब्रेक करके फिर से अमाइन में कन्वर्ट कर दिया, वाटर को मैंने ऐसे ऐड कर दिया HOH, तो फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, जिसमें ये NH2 है, ये क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एडवांस में मिलते हैं, और आ चुके हैं क्वेश्चन एडवांस में, अगर आपने पेपर देखे एडवांस के तो आपको मिलेंगे। फिर इसका रिएक्शन हमने किया NaNO2+HCl या HNO2, अगेन दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डाई अजोटाइजेशन, डाई अजोटाइजेशन ओनली प्राइमरी अमीन के साथ होता है, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के साथ नहीं करना है, तो एनिलिन में जो NH2 है उसका कन्वर्जन हो जाता है N2+ में, यहाँ पे क्लोरीन, या अदरवाइज मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है, चलो ये हो गया ब्रोमीन, राइट। फिर इसका रिएक्शन हम करेंगे H3PO2 के साथ, अब ये क्या करता है, H3PO2 जो N2+ है उसको रिमूव कर देता है, N2+ रिमूव होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है Cl और ये ब्रोमीन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नया वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। ओके।